फिर फंस गए बाहुबली ब्रजभूषण सिंह। अब अवैध खनन में एनजीटी ने लपेटा, डीएम ने बैठा दी जांच। जमकर हुआ हल्ला तो बाहुबली को देनी पड़ी सफाई। बाहुबली भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ब्रजभूषण सिंह संकट से उबरने के लिए मंदिर मंदिर माथा टेक रहे हैं, लेकिन ब्रजभूषण सिंह के ऊपर से संकट हटने की जगह घोर संकट आ जाता है। महिला पहलवानों के बाद अब एनजीटी ने बाहुबली सांसद को लपेट लिया है। ब्रजभूषण सिंह बालू अवैध भंवर जाल में फंस गए हैं। ओवरलोडिंग से उनके सियासी रथ का पहिया नदियों में निकलने वाली बालू में फंसता नजर आ रहा है। वो सफाई पे सफाई दे रहे हैं, लेकिन डीएम गोंडा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए डीएम नेहा शर्मा ने ठान ली है और सांसद पर लगे इल्जामों की पड़ताल के लिए जांच टीम बैठा दी है। देखिए, एनजीटी में एक प्रकरण को ये दाखिल हुआ है जो हम लोगों को प्राप्त हुआ है। उसमें बेसिकली अवैध रूप से खनन के कुछ इश्यूज फ्लैग किए गए हैं और इसकी जो जांच है वो विस्तृत जांच एडीएम साहब खुद जाकर इसको करेंगे और हम लोग देखेंगे कि इस तरह के जो इलीगैलिटी उल्लेखित की गई है उस पर जो है प्रभावी कार्रवाई करें। एक विस्तृत जांच पूर्व में भी की जा चुकी है जिसमें जो खनन इंस्पेक्टर थे वो निलंबित भी हुए थे, लेकिन इस प्रकार का मामला पुनः संज्ञान में आया है, उस पर हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। जो ओएक में शिकायत में उल्लेखित नाम है वो तो एक बार प्रॉपर जांच हम लोगों को तो प्राप्त हो जाए। अभी मुझे सिर्फ लेटर जो है वो केवल व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है, तो जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई। जो जांच आप लोग करेंगे पहली बार है दोबारा करना है ये वाली? तो ये जो इशू है ये तरबगंज तहसील का फर्स्ट टाइम है, इसमें जो गांव उल्लेखित है वो फर्स्ट टाइम है, लेकिन पूर्व में भी 2017 में एक मामला इस तरीके का आया था, उसमें भी काफी कठोरतम एक्शन हुआ था और एनजीटी के संज्ञान में था वो मामला। उस मामले को रिवाइव करने के लिए भी, क्योंकि उसमें स्टे सुप्रीम कोर्ट से जो विपक्षी है उसने प्राप्त कर लिया, उसको रिवाइवल के भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उस पर भी कार्रवाई इंश्योर कराएंगे। ओवरलोडिंग की बात आ रही थी, ओवरलोडिंग को लेकर के पूरी तटस्थता से पूरी प्रतिबद्धता से जो टीम्स हैं वो गठित हैं और ओवरलोडिंग में काफ़ी फ्रिक्वेंटली हम लोग सीजर्स करा रहे हैं। इस मामले में भी इलीगल माइनिंग और ओवरलोडिंग का उल्लेख है। जिस भी जगह पर ये उल्लेखित हुई है चीज़ें उसको टीम्स जो हैं गठित हैं, दे विल गो एंड इंस्पेक्ट। स्पेशल ये मामला है सरजू नदी से निकलने वाले रेत की काली कमाई का। वैसे तो बच्चा बच्चा जानता है गोंडा में वही होता है जो बाबू ब्रजभूषण सिंह चाहते हैं। बिना उनकी मर्जी के गोंडा में पत्ता भी नहीं हिलता। रही बात उनके घर से चंद किलोमीटर दूर मजारत जेतपुर और नवाबगंज स्थित घाटों की, जहां अवैध खनन होता है और रोज 700 ओवरलोड ट्रक गुजरते हैं। तरबगंज तहसील में चल रहे खनन के खेल की शिकायत सेंट्रल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक पहुंच गया और ट्रिब्यूनल की सबसे बड़ी बेंच ने सुनवाई करते हुए कैसरगंज सांसद ब्रजभूषण सिंह के नाम का जिक्र करते हुए डीएम गोंडा केंद्रीय प्रदूषण विभाग यूपी प्रदूषण विभाग को जांच और निरीक्षण के आदेश दिए हैं। फिलहाल भाजपा सांसद ब्रजभूषण सिंह ने इस इल्जाम पर सफाई देते हुए लिखा, मेरा अवैध खनन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। आज तक और न्यूज 18 सहित कई चैनलों पर आज जो खबर अवैध खनन और ओवरलोड ट्रकों के संचालन की मेरे खिलाफ चलाई जा रही है असत्य, अपुष्ट और गुमराह करने वाली है। मैं इस झूठी खबर का खंडन करता हूं। मीडिया के साथियों से आग्रह है कि खबर चलाने से पहले आपको गोंडा पुलिस प्रशासन, गोंडा जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश खनन और पर्यावरण विभाग से सच्चाई पता करनी चाहिए। हालांकि ब्रजभूषण सिंह ने यह सफाई सुबह दी थी, लेकिन जैसे ही डीएम गोंडा ने जांच बैठाई उसके बाद ब्रजभूषण सिंह ने बयान देते हुए कहा, एनजीटी का आदेश झूठा नहीं होगा, लेकिन आरोप और आरोप लगाने वाला बोगस है। फिलहाल सच क्या है ये 7 नवंबर 2023 तक पता चल जाएगा, क्योंकि इस तारीख को डीएम गोंडा को जांच रिपोर्ट एनजीटी के सामने पेश करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।